अनूपपुर विधानसभा से प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर आए कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर दीपशिखा भगत के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। दरअसल 2020 में अपर कलेक्टर रहे रमेश सिंह ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। वहीं रमेश सिंह कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष है। अमरकंटक तिराहे से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। अनूपपुर विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। अनूपपुर विधानसभा में 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए मंत्री बिसाऊ लाल सिंह ने 2020 के उपचुनाव में 35,000 वोट से जीत हासिल की थी। अनूपपुर जिले में अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने अपने सभी हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और आम जनता सभी ने, आपने देखा कि आज बहुत ही बड़े उत्साह के साथ में हमें नामांकन पत्र दाखिल किया है और आपने बताया कि मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों के साथ में राज्य स्तर के भी मुद्दे हैं जो कि सामान्य तौर पे हैं, राष्ट्र स्तर के मुद्दे वो भी सामान्य तौर के हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर के, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो यहाँ पर बातें हैं, जैसे आप ये फ्लाईओवर है,